कानपुर के रावतपुर, कल्याणपुर और मंधना स्टेशन आने वाले समय में मेट्रो स्टेशनों की तरह हो जाएंगे, जहां यात्री टिकट नीचे खरीदेंगे और ट्रेन में यात्रा करने के लिए ऊपरी फ्लोर पर जाना पड़ेगा। अनवरगंज मंधना रूट के एलिवेटेड होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई वर्षों से इस ट्रैक को हटाने की मांग की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर रेलवे को दी गई है। वहाँ से टीम सोमवार को कानपुर आई, जिसने सबसे पहले मंधना, फिर कल्याणपुर, रावतपुर और अनवरगंज का निरीक्षण किया। वहीं बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया कि रेलवे ने अनवरगंज मंधना रूट पर एलिवेटेड ट्रैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त लगातार उनसे मेरी बातचीत चल रही है। जल्द ही इस काम को शुरू कराया जाएगा। हम लोग द्वारा सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है। अनवरगंज से मंधना तक जो रेलवे लाइन है उसको एलिवेटेड बनाना है, उसके निरीक्षण का कार्यक्रम है। रेलवे की टीम आई हुई है, गोरखपुर से भी आई हुई है, बरेली से भी आई हुई है, और यहाँ प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, डीएम हैं, बीसी के डी है, अपर नगर अधिकारी हैं, कि ये देख रहे हैं कि ये बनेगा तो क्या क्या बाधाएं आएंगी, वो बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना है। अनवरगंज से मंधना तक जो रेलवे ट्रैक है तो उसे हटाया जाए या एलिवेटेड किया जाए, उसी कड़ी में आज हमारे दोनों सांसद महोदय, कानपुर के सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी और माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी तथा पूरी टीम आज सर्वे के लिए आई। लगभग अंतिम मुहर लग चुकी है कि ये ट्रैक मंधना से लेकर के अनवरगंज तक एलिवेटेड कर दिया जाएगा। इससे पूरे कानपुर के जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी और हम व्यापारियों का व्यापार कई गुना बढ़ेगा। जब जाम नहीं रहेगा तो क्षेत्र में निश्चित रूप से व्यापार कई गुना बढ़ेगा। इसके लिए आज हम सब व्यापारी भाइयों ने खुशी जाहिर की और दोनों सांसदों को तथा अन्य टीम को, कमिश्नरेट को, जिलाधिकारी महोदया को माल्यार्पण कर कल्याणपुर में विठोर किराए पर स्वागत किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।